राजीव गांधी वाला भारत रत्न उनसे वापस लिया जाए, ये आपने सदन में पढ़ा था, क्या ये पास हुआ है या नहीं हुआ? जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन था ये उसमें मेंशन नहीं था, वो मेरी भावना थी, किसी सदस्य ने मेरे को बताया, मैंने उसको एग्री किया और मैंने बोल दिया। पर टेक्निकली अगर आप देखेंगे इसको तो जो नोटिस सबको सर्व हुआ था, जो पर्चा सबको मिला था, उसमें ये मेंशन नहीं था, टेक्निकली वो नहीं था, पर मैंने सदन में बोला और अपनी भावनाएं मैंने सदन में व्यक्त की। बड़ी खबर ये है कि आज तक कांग्रेस और बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई इसको कत्लेआम कहने की, जो कल दिल्ली विधानसभा ने इसको घोषित किया है। आपसे हमने हमेशा बात की है, जब भी बात की है आपने 84 के लिए खुलकर बोला है, और कल भी सदन में जब हमने देखा आप अपनी भावनाओं के साथ खुलकर बोले, राजीव गांधी पर भी बोले। अब क्या पार्टी ने यू टर्न लिया है, इस तरीके की स्थिति आई है कि राजीव गांधी वाली बात जो है वो रेजोल्यूशन से निकाल दी गई? नहीं, आप एक बहुत बड़ी खबर को दबा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि आज तक बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने इसको जिनोसाइड डिक्लेयर करने की हिम्मत क्यों नहीं की? आप एक दूसरी खबर के चक्कर में इस खबर को दबा रहे हैं, आपको उस खबर को प्रमोट करना चाहिए, ये माइक बीजेपी और कांग्रेस वालों के मुंह पे लगने चाहिए और उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि सरेआम जो दिल्ली में हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ उसको आप कब अपनी अपनी असेंबलीज में और लोकसभा के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं।